भी कौन हो, शौक नहीं है आपका हवेली में रहने का? मुबारक हो आपको आपकी हवेली। चलो चलो लालू, चलो जना। चल मत। इसे कहाँ ले जा रही है? हमारा पुतवा कहीं नहीं जाएगा। आपका पोता आसमान से नहीं टपका है ठाकुर साहब, 9 महीना कोख में पाले उसको। जैसे आपका उस पर हक बनता है, वैसे ही हमजा भी हक बनता है। अगर दादा बनने लायक होते ना, तो अपना बेटा को अपना हाथ से गोदी में छोड़कर जाते आपके पास। चल माता। हम कहे दफा हो जो हमने नजर सामने से, चले जाओ। लावे में मत रहिएगा कि हम निशाना चूक गए। माधव को लाली के पास भेजिए, वरना अब के लिए हम निशाना चूकेंगे नहीं। हम भी चलेंगे आपके साथ। माधुर बाबू, हमरी और ठाकुर साहब की लड़ाई के बीच में कोई भी आएगा ना, तो ठाकुर साहब उसका जीना हराम कर देंगे। अगर यही करना था तो लाए थे क्यों इतना परपंच करके लाली को घर वापस? नरक से आपसे छुटकारा तो मिल जाएगी। मार डालिए हमको। तुम सच्चाई नहीं जानती हो माई, यही लिए ऐसा बोल रही हो। लाली की वजह से आज हम चिंता है, अगर हमारी जिंदगी बची है तो लाली की वजह से। ललिया ने तुमने मदद की? ललिया ही हमको बचाई है। तुमको हम बताएंगे, तुमको विश्वास नहीं होगा। आप भी चोट को देख के इतना मुस्कुरा काहे ले रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तू ज्यादा उधेड़ बोल में ना पड़, बस हमारा एक काम कर दे, जा के जल्दी से तैयार हो जा, बाहर जाना। बाहर जाना मतलब? बस कह दिया, दिमाग को ज्यादा खर्चा मत कर। क्या हुआ रे माधव? हमको ये बात चुप रहा, इसके लिए हमको गद्दा में सोना है। बढ़िया लग रहा है रे आप? हमको भूख लगी है। का है? चुप नहीं रह सकता थोड़ी देर? का है परेशान कर रहा है? ले आएंगे थोड़ी देर। माधव, बाबू अभी थक के ना आए हैं, कितना चले हैं तुमको गोदी में लेके। हाँ, अभी जब वो तनी सुन आराम कर लेंगे, सुस्ता लेंगे, तब जाएंगे तुम ले खाना बनाने के लिए, ठीक ना?